Let's see this question. Given an image, write down the 8 chain code and find safe number of 8. ठीक है, तो चेन चेन कोड का यूज हम बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं. तो दो टाइप के चेन कोड होते हैं, 8 चेन कोड एंड 4 चेन कोड. तो 8 चेन कोड का शेप ऐसे होता है, इस शेप का यूज करके हमें इसका चेन कोड फाइंड करना है. और जो 4 चेन कोड होता है वो इस फॉर्म में होता है, 0, 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो अगर और ये जो डॉट्स हैं वो इमेज में पिक्सल वैल्यूज हैं. अगर अगर पिक्सल वैल्यूज में अगर कोई भी डायगोनल अगर आएगा तो उसको हम 4 से फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट राइट अप डाउन के फॉर्म में है. ठीक है, अगर अगर पिक्सल वैल्यूज इस फॉर्म में आती हैं, दैट इज लेफ्ट राइट और अप डाउन के फॉर्म में, तो सिर्फ उसी को हम 4 चेन कोड से सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर पिक्सल की वैल्यू पिक्सल का जो जितने भी एडजेसेंट पिक्सल्स हैं अगर वो डायगोनल के फॉर्म में है तो उसको हम सिर्फ 8 चेन कोड से ही फाइंड कर सकते हैं. और ये क्वेश्चन में हमें 8 चेन कोड फाइंड करने का ही दिया हुआ है, तो हम इसको फाइंड करते हैं. अगर 4 चेन कोड अगर फाइंड करने के लिए आए तो इस शेप का हम यूज़ करेंगे. बट इसमें जब वो इमेज होगा उसमें इस डायगोनल के फॉर्म में पिक्सल्स नहीं होंगे, वो सिर्फ स्ट्रेट पिक्सल्स होंगे रेक्टेंगल के फॉर्म में. ठीक है, तो इसको हम फॉर्म करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं ये. तो फर्स्ट चेन कोड फाइंड करते हैं. इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक स्टार्टिंग पिक्सल की वैल्यू दी होगी, तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग पिक्सल की वैल्यू ये दी हुई है. ये जो है ये पिक्सल वो स्टार्टिंग पिक्सल है पी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो स्टार्टिंग पिक्सल पर डिपेंड करेगा. अगर स्टार्टिंग पिक्सल हम किसी और पिक्सल पे कर दें तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा. तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि स्टार्टिंग पिक्सल हमारा ये वाला पिक्सल है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पिक्सल से हम स्टार्ट करेंगे. नाउ इससे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और मीन्स क्लॉक वाइज चलेंगे, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम. तो यहाँ से हम इस पिक्सल पे जाएंगे, तो ये जो डायरेक्शन है राइट हैंड साइड में है तो ज़ीरो हो जाएगा. तो फर्स्ट के लिए यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ तक पहुँच गए हम. उसके बाद यहाँ से इस वाले पिक्सल पे जाएंगे, तो ये डायरेक्शन ये 7 वाला डायरेक्शन है दिस पे, तो इसका हो जाएगा 7. उसके बाद इस पिक्सल से इस पिक्सल से इस डायरेक्शन में आना है, तो ये डायरेक्शन ये 5 का है. फिर इस पिक्सल से इस पिक्सल पे जाना है, तो ये डायरेक्शन वापस 7 का है. फिर इससे यहाँ पे आना है, ये फिर से 5 का डायरेक्शन है. फिर से हमें लेफ्ट जाना है, लेफ्ट का 4 है. फिर से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट का 4. फिर से हमें इधर जाना है 3 के डायरेक्शन में. फिर इधर जाना है 1 के डायरेक्शन में. फिर ऊपर जाना है 2, एंड नाउ देन इस डायरेक्शन में जाना है 1. तो ये हमारा चेन कोड हो गया. ठीक है, उसके बाद हमें शेप नंबर फाइंड करना है. तो शेप नंबर फाइंड करने से पहले हमें फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो फर्स्ट डिफरेंस इसमें हम फाइंड करेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें दो पिक्सल्स के बीच में हम फाइंड करते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट वाला पिक्सल और फर्स्ट पिक्सल का, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से. ठीक है, तो कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे 1 है और 0 है. तो 1 0 का फाइंड करने के लिए हम इस शेप पे जाएंगे और 1 से 0 का डिस्टेंस देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, तो ये 1 से यहाँ पे 0 का हम डिस्टेंस देखें तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा 7. ठीक है, उसके बाद फर्स्ट से 0 का हो गया. अब हम देखेंगे 0 से 7 का, 0 से 7 यहाँ पे 1 नहीं होगा, एक्चुअली काउंटर क्लॉकवाइज है. तो 1 2 3 4 5 6 7 ये भी 7 हो जाएगा. फिर 7 से 5 तो काउंटर क्लॉक वाइज 1 2 3 4 5 6, 7 से 5 6 हो जाएगा. फिर 5 to 7, 5 से काउंटर क्लॉक वाइज तो 1 and 2, इसमें ऐसे नहीं काउंटर क्लॉक है. ठीक है, तो 1 and 2 हो जाएगा. फिर 5 to 7 हो गया. फिर 7 to 5, 7 to 5, 1 2 3 4 5 6. फिर 5 to 4, 5 to 4, 1 2 3 4 5 6 7. 4 to 4, 0. नाउ 4 to 3, 1 2 3 4 5 6 7. 3 to 1, 1 2 3 4 5 6. 1 2
2 2 1 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक। उसके बाद फर्स्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम शेप नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो शेप नंबर फर्स्ट डिफरेंस का मिनिमम नंबर होता है, मीन्स यहाँ पे से फर्स्ट डिफरेंस को ही हम सिर्फ अरेंज करके लिखते हैं और वो जो अरेंजमेंट स्टार्ट होता है वो मिनिमम नंबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो मिनिमम नंबर है तो इसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से ये पूरा रिपीट कर देंगे राउंड वाइज, जैसे जीरो हो जाएगा, फिर 7 6 7 6 1 7 और वापस यहाँ से रिपीट करके यहाँ तक 7 7 6 2 6 7, ठीक है। 0 7 6 1 7 एंड देन 7 7 6 2 6 7, ठीक। तो ये हमारा सेफ नंबर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।